अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सकें। तो आज की मेरी रेसिपी है जम्बो चिली सरप्राइज। तो जम्बो चिली सरप्राइज की रेसिपी जानने के लिए चलते हैं किचन की तरफ। तो मिलते हैं फिर किचन में। जम्बो दैट साइज की जो होती हैं वो हैं। ड्राइंग किचन पे आइए। सॉल्ट है हाफ टी स्पून, रेड फ्रेश रेड वाली चिली है 1 टीस्पून, क्वार्टर टी स्पून है हल्दी, ज़ीरा 1 टीस्पून और ये चाट मसाला है 1 टीस्पून। तो ये 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून ये है जी जनाब, 2 टेबल स्पून ये ग्रीन चिलीज हैं और ये मिंट मतलब पुदीना है 1 टेबल स्पून, बारीक चॉप्ड है और ये कड़ी पत्ते हैं 10 से 12 अदद, एक लेमन है और हाफ केजी पोटैटोस है। तो चलते हैं इसके बघार की तरफ। तो बघार लगाते हैं उसके बाद चलते हैं पोटैटोस के बाद। हमें बस ये ऑयल है 2 से 4 टेबल स्पून बघार के अंदर ऑयल यूज़ करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। टू टेबल स्पून ऑयल हो गया, प्रीहीट कर लेते हैं। क्यूमिन सीड मतलब 1 टीस्पून जीरा, दस से बारह अदद कड़ी पत्ते, और ये हाफ केजी पोटैटो, पोटैटो को उसके अंदर ही मैं कर देना है चॉप इस तरीके से। जी तो मैंने आलू को उसके अंदर चॉप कर दिया, मोटा मोटा सा रखना है, बारीक नहीं करना है। अभी कितना राइड होगा, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला, हल्दी और सॉल्ट एक साथ। एक अदर लेमन है इसको कट करके इसके अंदर ऐड कर, सीड रिमूव कर दी मैंने लेमन में से। हाथ पर जस्ट स्टिकी हो रहे हैं तो इसलिए नहीं बनता, बार बार स्लिप हो रहा था हाथ से, खैर नहीं भी ऐसा होता रहता है कुकिंग में अक्सर। घर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना लेमन के साथ। फिर मिक्स हो गया, एक अंदर जाकर 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर, टू टेबल स्पून वाटर डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। तो
देखें ज़बरदस्त मिक्स हो गया। 5 मिनट के लिए चूल्हे पे और छोड़ देंगे, मिलते हैं फिर 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट के बाद इतना ज़बरदस्त हो चुका है। आलू ज़्यादा फ्रेश नहीं करना, साबुत साबुत से रखना कि मुँह में आए तो अच्छा लगे। इसके अंदर लेमन जूस की जगह इमली का जूस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इमली का जूस नहीं ऐड किया, लेमन ऐड किया, चॉइस थी आपकी। तो इसको निकालते हैं, ठंडा करते हैं, मिलते हैं फिर। जी तो मैं निकाल लिया अलग से इसको आलू के बिल्कुल बैटर को। आलू के बैटर निकालने के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मिंट मतलब पुदीना वोली ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ऑफ चिली ग्रीन चिली, ऑप्शनल है डालना है तो डालें, अदरवाइज मर्जी है। इस तरह मिक्स करने के बाद इसको करने देंगे ठंडा। जब तक ये ठंडा होता है हम रखते हैं तो साइड में, तो लगा लेके आते हैं अपने चिलीज को। चिलीज के साथ बताते हैं क्या करना है फिर। ये देखिए आप हैं चिली, बड़े मज़े की ज़बरदस्त सी चिली के साथ मज़े। देखें ये चिलीज लेनी है और इसके अंदर ऐसे कट लगा लेना है इस तरीके से, कट लगा लिए। ये सीड्स हैं इसके अंदर, ये इतने तेज़ नहीं होते हैं, अगर निकालना है तो निकाल लें, नहीं निकालना है तो मर्जी है। वैसे इतने तेज़ नहीं होते हैं, चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखें इसको इस तरह निकाल लिया जाएगा, यूँ करें। देखें निकाला है मैंने सीड, तो किस तरह किसी में इसको इस तरह चटक लगे तो सारे सीड्स रिमूव हो जाएंगे, बट मैं सीड नहीं निकालूंगा, मैं इसको सीड बनाऊंगा। देखें मैं सीड्स नहीं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे मेरी बहन सामने खड़ी हुई कैमरा पकड़ के बड़ा तंग करती है, हंसवा रही है। जो सी अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, सीड निकाल के अमेजन की हीट रखते हैं तो सी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, जो निकाल लेंगे उनके लिए बता रहा हूँ। जितना सीड देखें है ही ये होता है चिली, बड़ी मज़े की चिली होती है, चिकन के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए इसमें भी नहीं है, थोड़े से ये खारिश नहीं होते हैं, तेज भी नहीं होते हैं, तो आराम से हर बंदा खा सकता है। इसको भी कर लिया इस तरीके से, बस ये याद रखना है तो सेपरेट नहीं करना है, इस तरफ से कट नहीं लगाना है, इस तरफ से कट लगाना है। अगर इस तरफ से कट लगा देंगे तो बिल्कुल दो हो जाएंगे, तो फिर में फिलिंग नहीं हो सकती, फिर क्योंकि उसके अंदर भी हमें फिलिंग भी करनी है। देखें इस तरीके से जी, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। इन चिली में लगा लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना लीजिए इसको, तो इस चीज़ को अच्छा सा मिक्स कर लें मेरे को। इसके लिए छोटा स्पून चाहिए था, छोटा स्पून इसको रिमूव कर दिया, इस तरीके से इसका हम काम नहीं, इसको हटा देते हैं। आई होप को आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही होंगी, ये सेकेंड वीडियो है मेरे चैनल की। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। आई होप कि आप मुझे इस चैनल पे सक्सेस देंगे। देखिए ज़बरदस्त हो गया ये, अब उठाते हैं चिली। चिली उठाई, इसको इस तरह होल्ड करना है, इस तरह से हैंडल किया फुल। ये काम थोड़ा मैसी है, थोड़ा हाथ से करना लाजमी होगा, तो हाथ से भी किया जा सकता है अगर तो करना चाहे तो, वरना वीडियो के चक्कर में नहीं करता हाथ से। देखिए इस तरीके से फुल फील करना है, तो बच्चे को यूँ इस तरह रिमूव कर दें। ठीक है,
सेकंड खोली, उठाए अमेजा, फील इसके अंदर किया इस तरीके से, कम फीलिंग पसंद हो कम डालें, ज़्यादा फीलिंग पसंद हो ज़्यादा डाल सकते हैं, योर चॉइस। देखें इस तरीके से सेकंड भी हो गई, वरना हमने फूल है फूल में ज़्यादा मज़ा आएगा, खाने में भी देखने में भी लुक वाइज भी देख लीजिए। इस तरीके से फील करना है अपने, हाथ से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्पून से जैसे कि सही हो नहीं रहा है इस वजह से मैं भी हाथ से ही कर रहा हूँ। देख लीजिए अच्छी तरह खोल के तो अच्छा फील करिएगा, इतनी अच्छी इसकी फीलिंग होगी, इतने मज़े के आके जंबो चिली सरप्राइज बनेंगे। देखिए इस तरीके से खोलना है, स्पून से नहीं हो रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे स्पून से नहीं हो सक रहा है, इसलिए मैं हैंड से कर रहा हूँ और हाथ धुले हुए होना चाहिए अच्छी तरीके से। अच्छा फीलिंग, मज़ेदार सी फीलिंग, ज़बरदस्त सी, देखते जाइए तरह फील कर दिया हमने, इसको ऊपर से इस तरह साफ कर देंगे। हो गया ये सेकेंड लास्ट है मेरे पास, के बाद मैंने इसका बनाना होगा अंग्रेज़ा, मैं चिकन किचन को क्लीन करवाता हूँ इसके बाद, ज़बरदस्ती क्लीन करनी है अपने। चलिए देखें अब मेरी लास्ट है, मैं लास्ट करके लास्ट देखें, अब मेरी लास्ट वाली भी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। देखें मैंने इतनी कर ली है वीडियो के लिए कि मैं वीडियो कर चुका हूँ, वीडियोज़ बने सब में फिलिंग हो चुकी है। नाइफ को हटा देते हैं, ये मेरा हमेशा बच गया है और ये चीज़ बच गई है, तो ये आफ्टर द वीडियो हम अपने घर के लिए कर लेंगे। देखिए ये वीडियो चिली थोड़ा मैदा बच गया है, तो हैंड वॉश करते हैं, बैटर के इंग्रेडिएंट लगवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी जनाब, तो आ चुके हैं वापस, ये बैटर कैसा है, बैटर बनाने के लिए देख इंग्रेडिएंट देख लीजिए, सॉल्ट है हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है, पिंच ऑफ क्यूमिन सीड 13, वाइट वाला है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून डालते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 टीस्पून का, बेसन है 1 कप। इस सब चीज़ों को फिर इस ड्राई डालने के बाद ड्राई डालते हैं सोडा, सॉल्ट साथ सबको डालते हैं, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको इस तरीके से। देखिए मिक्स अच्छी तरह ड्राई में कर लेंगे तो बाद बैटर बनाएंगे तो बैटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं ताकि सही ना रहा, ज़बरदस्त बैटर बनाने से पहले हम करते हैं पहले ऑयल को गर्म कर देते हैं, ऑयल को गर्म कर देते हैं। तो ऑयल फिल कर दिया मैंने फुल इसमें, तो ऑयल गर्म होता है बैटर बना लेते हैं, तो नॉन बैटर बेटर थोड़ा ठीक बनाएंगे, रनी नहीं होना चाहिए, रनी होगा तो आपकी चिली पे बेसन कोट नहीं होगा, अच्छा सा ठीक बेसन बनाएंगे, बेसन को ठीक कर लेना है पेस्ट को, वाटर ज़्यादा जाएगा, कुछ बेसन ऐसा होता है जिसमें पानी ज़्यादा जाता है किसी में कम जाता है,
तो डिपेंड ऑन योर थोड़ा सा ओल्ड है और जी और अच्छा सा गाढ़ा बेसन हो चुका है, इतना भी ठीक नहीं चाहिए, देखें इतना ठीक नहीं चाहिए क्योंकि ना थोड़ा और वाटर जाएगा। जी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। आई होप कि मेरी आपको दो वीडियो अच्छी लगी होंगी, ये थर्ड वीडियो है मेरी, नहीं सेकंड वीडियो कुकिंग की है, फर्स्ट जो थी वो डांस की थी, सेकंड फिर व्लॉग था कुकिंग क्लास का। आई होप कि आप पहली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी मैगी मंचूरियन की, और ये है मेरी सेकंड रेसिपी, इंशाल्लाह आपको और रेसिपी भी देते जाएंगे। देखें ज़बरदस्त सा बेसन हो चुका है, लेकिन इससे मुझे थोड़ा सा और रनी चाहिए तो मैं थोड़ा और बटर ऐड कर दूँगा, देख लीजिए और बटर ऐड कर दिया मैं इसमें। अच्छा इसके अंदर चाहे तो अंदर फूड कलर और फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, फिर इस तरह का लगेगा जिस तरह बाहर की तरह जो मिलते हैं ना तले हुए फ्राई हुए हुए पकौड़े वगैरह, तो उस तरह से, लेकिन ये पकौड़े स्टाइल में नहीं है, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में है, जम्बो चिली सरप्राइज का नाम है। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे, फीडबैक भी देंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो ज़बरदस्त सी मेरे बेटर रेडी हो चुका है, देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट फिर से बताता चलूँ। इसके अंदर मैंने ऐड किया है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून जीरा, वन टी स्पून सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून डाल दें, टू पेस्ट डाल दें, योर चॉइस। अब बहुत ज़बरदस्त सा ठीक इस तरह का मुझे बैटर चाहिए, आई होप कि आप लोग समझ नज़र आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मेरा पूरा वन ग्लास बटर गया, देख लीजिए। तो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। जी जनाब 10 मिनट बैटर हो चुके हैं, अब ये चिली जो है इतनी ज़्यादा बड़ी है इतनी डीप नहीं होगी, तो इसलिए इस बैटर को मैं इस वाले ग्लास के अंदर पोर कर देता हूँ ताकि आराम से मेरा सारा हो जाए, इतना फटना है, फुल भी नहीं फटना है कि जब हम चिली डीप करें तो बाहर आने लग जाए, इतना फटना है। 4 से 3 इंचेस अपने कैनवस पर छोड़ लिए, फुल कर लिया अपने ग्लास के अंदर, लेते हैं चिलीज, ऑयल चेक कर लेते हैं फिर कि ऑयल हुआ है या नहीं हुआ। देखें ठीक है, ऑयल मेरा रेडी हो चुका है, चलो डिप करते हैं इसके अंदर ये चिली इस तरीके से होल, देखें जितना इसमें रन होगा रन होने देंगे, इसमें से जितना रन होना है रन होने दें, परेशान नहीं होना है। देखें इतना रन हो चुका है, कट करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखें वन सेकेंड सेकेंड देख लीजिए, ये इतनी बड़ी है कि ग्लास के अंदर भी डिप नहीं हो रही, तो ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। देखें इस तरीके से ये डिप हो चुकी है, इसमें जितना रन होगा रन कर दें, कोटिंग थोड़ी ठीक कर देना है हमने, देखें हो गया, किस तरह कट करना है तो यूट कर देना है, आप इसे स्लो फ्लेम रखनी है
अभी गैस ब्लेंड नहीं करनी। देखें इस तरीके से, ये देखें, ये देखिए, वंस अगेन आज की रेसिपी का नाम है जंबो चिली सरप्राइज। तो सरप्राइज इसके अंदर यही है कि इसके अंदर जब कट करेंगे खाएंगे तो इसके अंदर पोटैटो फिलिंग्स आएगी। आप इसको मीट से भी बना सकते हैं, बट मीट टू मच हो जाता क्योंकि आने वाली वीडियोस में मीट और चिकन की ही रेसिपी आपको मिलेंगी, तो इस वजह से मैंने मीट में यूज नहीं किया। ठीक है, मैंने ऑयल इसमें ज़्यादा लिया है, फिर भी डिप नहीं हो रही है, तो हल्का हल्का कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना तो ऊपर से कलर आ जाएगा इसका। कट लगाना है इसका, जो जुड़ जाए तो बीच ही कट लगा लें। कर देते हैं, देख लीजिए तो बर्तन की कोटिंग हुई है इसके ऊपर। जी तो बस ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इस पर, कलर डिपेंड है, सब डार्क पसंद करते हैं लाइट पसंद करते हैं, बस इतना बहुत होता है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, ज़बरदस्ती हो चुकी है। आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, ये हो चुकी है। ये देखिए अभी मैंने इसपे निकाल दिया, सर्विंग डिश में भी निकालता हूँ और डाल देता हूँ पहले। देखिए तो लेफ्ट ओवर बच गई थी, उनको कर लेते हैं फटाफट से। देख तरीके से जम्मू चिली सरप्राइज जबरदस्त ही कोटिंग हो रही है, टाइम भी बड़ी ज़बरदस्त से हुए जबरदस्त। एंड लास्ट तो नहीं है मेरे पास वीडियो के लिए, ये लास्ट है। इसके अलावा मेरे पास और भी रखे हुए हैं जो मैं करता हूँ वीडियो के बाद। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो फ्री में देखने को मिल सके। देखें ये मेरा बटर भी बच गया, इधर भी बच गया चिली, तो आपको मैदा भी दिखाया था वो भी बचा हुआ है। तो जब तक ये होता है तो ये कलर ब्राउन होता है हल्का सा, सूर्य इसका इस तरह ऑयल कर देंगे ऊपर से, कि ऊपर से एक जैसा कलर आया जैसे पहले वाले पर आया। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है फिर भी मुझे कम लग रहा है ये, तो एक सेकेंड तन अभी नहीं करेंगे। ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इस पर, ये तो हल्का सा रहेगा इसको टर्न ओवर करते रहते हैं तो ज़बरदस्त सा कलर आता है। तो टेम्परेचर इतना थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो अपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है ऑयल के, बहुत ख़तरनाक सी चीज़ होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हमारी रेसिपी जल भी जाती है। बट हमारा टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है अभी सब, हमारी जम्बो चिली सरप्राइज ऑलमोस्ट रेडी। लास्ट वेट हम ट्राई कर रहे हैं, इतनी कढ़ाई में जगह उतना ही डालना है अपने, इसके लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा डीप फ्राइंग होगी और ज़्यादा चाहिए होगा तो ऑयल आप पता भी यूज़ कर सकते हैं। चले फाइनली अभी हो चुके हैं, ये वाले भी इनको निकाल लेते हैं। देखें इनको निकाल लेते हैं इसका फटाफट से, ये ज़बरदस्त ये भी हो गया है और ये वाली भी ऑलमोस्ट हो चुकी है।
ये मेरी सब रेडी हो चुकी हैं, तो मिलते हैं सर्विंग डिश। तो देखें ये हो चुका है बिल्कुल, हाँ थोड़ा मैसी हो गया, बेसन लग गया, कट करके दिखाता हूँ। फिलिंग हुई भी है ठीक, टेबल को क्लीन। जी जनाब, तो आज की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, जंबो चिली सरप्राइज। ये मैं बस इसके लिए चने को सालन बनाया हुआ है, इसके साथ खाए जा सकते हैं, बहुत अमेजिंग से होंगे, देख लीजिए ज़बरदस्त। सर रेडी हो चुका है ये मेरा, देख लीजिए ज़बरदस्त, ये रेडी हो चुका है मेरा जंबो चिली सरप्राइज, ज़बरदस्त देख लीजिए। मेरा रेडी हो चुकी है आज की रेसिपी जंबो चिली सरप्राइज, आपके सामने है देख लीजिए, ज़बरदस्त सी इसमें चना मसाला है तो मैं सब सर्व किया है, देख लीजिए ज़बरदस्त सी है। आई होप कि आप सब ट्राई करेंगे, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, देखते हुए जाइए। जी जनाब, तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को फ्री में देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मेरी वीडियो को ट्राई करेंगे रेसिपी को। तो मिलते हैं, अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस बात के साथ अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए मुझे और दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।